एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है। तो हम एक बहुमंजिला भवन बनाते हैं और उसी के ठीक सामने जो है एक 8 मीटर ऊंचा जो है भवन बनाते हैं, तो यही हम मान लेते हैं कोई बहुमंजिला भवन जो है हमारा ए बी है। यही ए बी जो है बहुमंजिला भवन है, ये आपका जो है बहुमंजिला भवन है। तो बहुमंजिला ये भवन मान लेते हैं, बहुमंजिला आपका भवन होगा। ये भी जो बहुमंजिला भवन देख रहे हैं, इसी भवन के ठीक सामने एक छोटा सा 8 मीटर भवन है। तो इसी के ठीक सामने जो है हम 8 मीटर जो है ऊंचा एक भवन मान लेते हैं। ये जो है सीढ़ी जो है 8 मीटर ऊंचा जो है भवन है, ये जो है 8 मीटर ऊंचा जो है एक नया भवन है। अब देखिए क्या कर रहा है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखने पर अवनमन कोण बन रहा है। आपको बताया गया जब देखने वाला ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो देखने वाले की आंख पर अवनमन कोण बनता है। तो बहुमंजिला भवन के शिखर से छोटे भवन के शिखर को देखा जाता है, तो अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो चलिए बहुमंजिला भवन के शिखर को पहले देखा जाता है, तो बहुमंजिला भवन के शिखर से छोटे भवन के शिखर को पहले देखा जाता है। तो हम फिगर बनाते हैं, ये जो है बहुमंजिला भवन है उसी के शिखर से जो है छोटे भवन के शिखर को देखा जाता है। ये जो है छोटे भवन के शिखर को जब देखा जाता है तो उसके आंख पर अवनमन कोण जो है 45 डिग्री बनता है। ये जो है आंख पर अवनमन कोण जो है आपका बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री। फिर कह रहा है बहुमंजिला भवन के शिखर से छोटे भवन के पैर को देखा जाता है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। पहले जो है अवनमन कोण जो है आपका 30 डिग्री बनता है और फिर दूसरे स्टेप में 45 डिग्री बनता है। जब इसके पैर को देखा जाता है तो अवनमन कोण जो है आपका जो है 45 डिग्री बनता है। तो आपसे पूछा गया है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है, और फिर जो है दो भवनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ए सी का मान आपको निकालना है। फिर एक बार सवाल समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है, तो ये भी बहुमंजिला भवन हम माने हुए हैं, उसी के ठीक सामने 8 मीटर ऊंचा जो है एक छोटा सा भवन है। बहुमंजिला भवन के शिखर से छोटे भवन के शिखर को देखा जाता है, तो अवनमन जो कोण है वो 30 डिग्री बनता है। तो यही जो है अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर जो है ई मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं, तो अवनमन कोण जो है आपका जो है डी बी पी 30 डिग्री बनता है। फिर बहुमंजिला भवन के शिखर से छोटे भवन के पैर को देखने पर अवनमन जो कोण बनता है वो 45 डिग्री बनता है, यानी कोण सी बी पी इज इक्वल टू 45 डिग्री बनता है। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है ए बी का मान, और दो भवनों के बीच की दूरी ए सी का मान निकालना है। बिल्कुल ये आसान सवाल है। सबसे पहले जो है अवनमन कोण को उन्नयन कोण में बदलते हैं और तब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको जो है वही स्टेप फॉलो करना है, अवनमन कोण को उन्नयन कोण में पहले बदल देते हैं। तो हम यहाँ जो है अवनमन कोण को पहले उन्नयन कोण में बदलते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं अवनमन जो कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण। अब अवनमन जो कोण हो गया वह उन्नयन कोण के बराबर हो गया, तो इसलिए जो है अवनमन जो कोण 45 डिग्री है वो आपका जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री में बदल गया। तो यह जो है अवनमन कोण 45 डिग्री जो दिया हुआ है वो आप उन्नयन कोण 45 डिग्री के अनुसार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसको, तो 45 डिग्री के अनुसार इसलिए लिखेंगे 45 डिग्री के अनुसार। 45 डिग्री के अनुसार जो है आपको कुछ नहीं करना है, 45 डिग्री के अनुसार जो है न्यून कोण के सामने की भुजा पी और न्यून कोण से सटी भुजा बी, इन्हीं दोनों भुजाओं में हम संबंध लेंगे। तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा है वो पी और संलग्न सटी भुजा जो है बी, पी और बी में संबंध होता है टेन थीटा, पी का बी का मान बैठाएंगे। तो पी का जो मान आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की भुजा हो जाएगा बड़ी भुजा, जिसमें दो भुजा है ए है बी है, तो ए का मान जो है यह 8 मीटर जो है छोटे भवन की ऊंचाई ही हो जाएगा। तो पी का मान बैठाने के लिए 8 में हम जो है बी को जोड़ देंगे, और बी का मान बैठाने के लिए न्यून कोण से सटी भुजा जिससे थीटा का मान आप देख रहे हैं 45 है, टेन 45 का मान 1 होता है, यहाँ से एसी का मान निकल जाएगा। चलिए
ए प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, ए सी में वन से गुणा करेंगे ए सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः जो दूसरा न्यून कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो हम पुनः 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। 30 डिग्री के अनुसार देखिए फिगर में, आप 30 डिग्री देख रहे हैं, उसके अनुसार आप अगले स्टेप को फॉलो करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो पुनः हम लिखेंगे 30 डिग्री के अनुसार, पुनः 30 डिग्री के अनुसार आप देखिए पुनः जो है 30 डिग्री जो ऑनमन कोण है वो अब जो है उन्नयन कोण में बदल जाएगा। यहाँ भी ऑनमन जो कोण दिया हुआ है वो उन्नयन कोण में बदल गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः वही फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि ऑनमन जो कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि ऑनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, और यह जो है ऑनमन कोण आपका 30 डिग्री, अब उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल गया, आप 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा P और सटी जो भुजा हो जाएगा वह B, P और B में ही संबंध लेंगे। तो P और B में संबंध होता है tan थीटा, P का B का और थीटा का मान हम यहाँ बैठाएंगे, तो P की जगह पर यहीं बैठाएंगे B, ये लिखेंगे B, और B की जगह पर यहीं जो है D लिखेंगे। यह डी जो भुजा है वो आपका एसी भुजा के बराबर भी हो जाएगा, थीटा की जगह पर 30 लिखेंगे, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, सरल करते हैं। बी अपनी जगह पर रहेगा, बी में √3 से गुणा करेंगे, बी √3 हो जाएगा या √3 बी हो जाएगा, और डी में 1 से गुणा करेंगे डी के बराबर हो जाएगा। डी जो देख रहे हैं वह एसी भुजा के बराबर है, तो डी की जगह पर एसी लिख देंगे, और यही एसी का मान जो है यहां से बैठा देंगे, एसी की जगह पर एसी का मान बैठाएंगे, इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखेंगे। बी √3 अपनी जगह पर रहेगा और एसी की जगह पर एसी का मान बैठाएंगे, 8+b हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, यहां से हमको b का मान निकालना है, तभी जो है भवन की ऊंचाई निकल जाएगा ab। तो सबसे पहले जो है b का मान हम यहां से निकालते हैं, फिगर को मिटा लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से बी कॉमन आप लीजिए, बी का मान निकालने के लिए बी को एक तरफ ले जाइए, बी √3 अपनी जगह पर रहेगा और प्लस बी इधर आकर के माइनस बी हो जाएगा, 8 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कीजिए, दोनों में से हम बी कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा √3 - 1 और 8 अपनी जगह पर रहेगा। यहां से बी का मान निकाल लेंगे, बी अपनी जगह पर √3 - 1 जो है गुणा में है, तो इधर आकर के जो है डिवाइड हो जाएगा √3 - 1। इसको सरल करने के लिए ए माइनस बी है तो ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 + 1 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 8 × √3 + 1, और इसको सरल करेंगे तो √3a² - b² हो जाएगा, तो a स्क्वायर का मतलब 3 और b स्क्वायर का मतलब 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये जो है b का मान निकल गया 4 × √3 + 1। हमको b का मान नहीं निकालना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है, तो अतः हम लिखेंगे बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। बहुमंजिला जो भवन है उसमें दो पार्ट है, भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई था उसका दो पार्ट था, एक पार्ट में जो है आपका जो है एबी था, एबी नहीं था ए ही था, और दूसरे पार्ट में आपका जो है बी था। तो ए का जो मान था उसी के ठीक सामने सीढ़ी जो भवन था 8 मीटर उसकी ऊंचाई के बराबर था, और बी का मान आप निकाल चुके हैं 4√3 + 4। इसको सरल कर लेंगे, 4√3 + 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई जो है 12 + 4√3। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 + √3 जो है मीटर जो है यह बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकल जाएगा,
बहुमंजिले भवन की ऊंचाई में दो ऊंचाई था, एक ऊंचाई ए था और दूसरा ऊंचाई बी था। ए का मान जो है बीडी, ए का मान जो है सीडी के भवन के बराबर था, सीडी का मान जो है 8 दिया हुआ था। उसके बाद से बी का मान हम निकाल चुके हैं, बी का मान जो है यही बैठाएंगे 4√3 गुणा करके लिखेंगे +4, और इसको सरल कर लेते हैं, 8 4 12 हो जाएगा और 4√3 अपनी जगह पर, 4 दोनों में से कमल ले लेंगे तो यह 3 हो जाएगा और 4 यहाँ से कमल लिए हैं तो √3 मीटर हो जाएगा। अब दो भवनों के बीच की दूरी भी निकालना है, तो दो भवनों के बीच की दूरी एवं यहां लिखेंगे दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, तो दो भवनों के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी में एक भवन था बहुमंजिला भवन ए भी था, दूसरा जो है आपका जो है सीढ़ी था, तो एसी दूरी हो जाएगा, दो भवनों के बीच की दूरी एसी, यही एसी दूरी को हम यहाँ निकालते हैं। एसी दूरी का मान आप देख रहे हैं √3 है, ये लिखेंगे √3 यहां से जो है, या ये भी मान है 8+b भी लिख सकते हैं आप, तो चलिए 8+b ही लिख देते हैं और b का मान हम बैठा देते हैं वहां पर। यहां पर दो भवनों के बीच की दूरी जो है 8+b हो जाएगा, b का मान हम यहां बैठा देंगे, तो चलिए बैठाइए मान, 8 अपनी जगह पर रहेगा, b की जगह पर यही बैठाएंगे 4√3 + 4, तो 8+4√3 + 4 लिखेंगे, 4√3 + 4 इसको सरल कर देंगे, तो यही मान आ रहा है दो भवनों के बीच की दूरी जो है एसी का मान 8+b का मान जो है 4√3 + 4 आ रहा है, भवन की ऊंचाई के बराबर ही यह मान आ रहा है, इसको भी सरल करेंगे तो उतना ही मान आएगा, देखते हैं आंसर कितना दिया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दोनों का मान जो है सेम आएगा, दो भवनों के बीच की दूरी भी वही आएगा और भवन की ऊंचाई भी वही आएगा। दोनों जो है एक ही के बराबर मान आ रहा है, तो यहां सरल करेंगे तो 12 और +4√3, यहां से भी 4 कमल ले लेंगे तो 3 और +√3 मीटर, दो भवनों के बीच की दूरी जो है आपका निकल गया इतना, यहां बराबर का चिन्ह देंगे, एसी का मान निकाले हुए हैं, तो एसी का मान जो है पहले ही जो है 8+√3 था, 8+b था, वहां पर मान बैठा देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप एक दो बार क्वेश्चन जो है जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जरूर एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, जरूर जो है ये क्वेश्चन जो आपसे बन जाएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।